नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न। 17 और समस्तीपुर लोकसभा सीटों के साथ साथ 17 राज्यों के 51 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए हुआ मतदान। खोंसा वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में 89% मतदान। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद पुलिसकर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। पीटीसी बंदरदेवा में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के पुलिस महानिदेशक आरपी उपाध्याय ने शहीद पुलिसकर्मियों को किया याद। राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग ने ईस्ट कामेंग जिले के क्यांगरी सातम पर्वत चोटी पर चढ़ाई के लिए एक पर्वतरोही दल को किया रवाना। कहा, साहसी खेलों के विकास से राज्य में पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा एक नया आयाम। अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले में खोंसा वेस्ट विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शांतिपूर्ण रहा। राज्य के संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी डीजे भट्टाचार्य ने बताया कि करीब 89% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 12 कंपनियां इस विधानसभा क्षेत्र के 23 मतदान केंद्र पर तैनात की गई। खोंसा वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में कुल 10,186 मतदाता है, जिनमें से 5,236 महिला मतदाता है। इस उपचुनाव में दो निर्दलीय उम्मीदवारों श्रीमती चाकत आबो और अजीत होमटोक के बीच सीधा मुकाबला है। श्रीमती चाकत आबो की उम्मीदवारी को भाजपा, कांग्रेस सहित 5 प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है। वह नेशनल पीपल्स पार्टी के नेता तिरोंग आबो की पत्नी है, जिनका NSCN के संदिग्ध आतंकियों ने चुनाव परिणाम आने से 2 दिन पहले 21 मई को तिराप जिले में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उपचुनाव के मतों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी। कोई इंसिडेंट का कुछ का कोई कुछ खबर नहीं मिला हम लोग को। अच्छा से हुआ, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक ही था और काफ़ी लोग बाग इस इलेक्शन में भाग लिया। एज पर रिपोर्ट, अभी तक का जो रिपोर्ट हम लोग को मिला है उसमें आपको 89.2% इलेक्टर ने अपना फ्रेंचाइज यूज़ किया है। ये और भी बात सकते हैं जब पूरा एंटर ये कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट हम लोग को मिल जाएगा। टोटल जो ये था वोटर था हमारा खोंसा वेस्ट का 10,186 और टोटल पोलिंग स्टेशन था 23 नंबर्स। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ क्या कोई? महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के लिए आज वोट डाले गए। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों के लिए 235 महिलाओं सहित 3,237 उम्मीदवार मैदान में हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जबकि हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों के लिए 104 महिलाओं सहित 1,169 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल ने शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन किए हैं और 81 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। मतों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी। आज ही 17 राज्यों में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 51 सीटों के उपचुनाव के लिए भी मतदान हुआ। 51 विधानसभा सीटों में से 11 उत्तर प्रदेश की, 6 गुजरात, 5 केरल और बिहार, 3 सिक्किम, 4 पंजाब और असम, 2 सीटें तमिलनाडु, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश तथा 1 सीट ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, पुदुचेरी और अरुणाचल प्रदेश की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश प्रगति की राह पर अग्रसर है क्योंकि पुलिसकर्मी पूरी जिम्मेदारी से अपना दायित्व निभा रही है।
श्री शाह ने कहा कि देश में सीमा की सुरक्षा, आतंकवाद और नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई तथा शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री शाह ने यह बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार पुलिसकर्मियों के कार्यस्थल को बेहतर बनाने, उनके स्वास्थ्य और परिवार से संबंधित सभी कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित बनाने के लिए समयबद्ध कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि 1,00,000 नागरिकों पर 222 पुलिसकर्मियों की जरूरत होती है, जबकि मौजूदा स्थिति में केवल 144 पुलिसकर्मी अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक ड्यूटी के दौरान 35,000 से अधिक पुलिसकर्मी अपनी प्राणों की आहुति दे चुके हैं। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीन की सेनाओं के साथ संघर्ष के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों की स्मृति में हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। पुलिस कर्मियों ने अपने जानों का बलिदान देकर देश को सुरक्षित किया है। मैं आज उन सभी पुलिस कर्मियों को देश की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। ये आज जो पुलिस स्मारक बना है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको बनाने के पीछे एक अपनी सोच और भूमिका रखी थी। आज मैं देश भर के सभी पुलिस कर्मियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जो पुलिस स्मारक बना है, वो पुलिस स्मारक न केवल एक स्मारक बनकर रहेगा, यहीं से अनेक प्रकार की गतिविधियां पूरे पुलिस के कर्मचारियों के कर्तव्य निर्वहन को गौरव प्रदान कर देश को पुलिस के बलिदानों की गाथा सुनाने का काम करेगी और देश भर के बच्चे और देश भर के टूरिस्ट इस स्थान को एक तीर्थ स्थल मानकर यहाँ शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने आए। इस प्रकार से पूरी इस स्मारक की गरिमा बढ़ाने के लिए सरकार बहुत आयोजन पूर्वक आगे बढ़ रही है। पापुमपारे जिले के बंदरदेवा में स्थित अरुणाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में राज्य के पुलिस महानिदेशक आरपी उपाध्याय ने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में श्री उपाध्याय ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक हजारों पुलिसकर्मियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्राणों की आहुति दी। कठिन परिस्थितियों के बावजूद कानून एवं व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने वाले पुलिसकर्मियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बहादुरी से उनका मुकाबला किया और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम उन बहादुर जवानों को तथा पुलिस शहीदों को, जिन्होंने पिछले एक वर्ष में अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु एकत्र हुए हैं। राज्य व केंद्रीय पुलिस संगठनों के शहीदों का ब्यौरा इस प्रकार है। अरुणाचल प्रदेश हेड कांस्टेबल खुडोंग सिख पोनहांग एगी, कांस्टेबल ड्राइवर अनिल हिबा। बिहार सब इंस्पेक्टर आशीष कुमार सिंह, रतन कुमार चौधरी, मिथिलेश कुमार शाह। हवलदार विश्व उर्वेन, कांस्टेबल मुकेश कुमार, प्रभाकर राज, मोहम्मद फारूक आलम। असम राइफल नायब सूबेदार दीनानाथ, राइफलमैन चपेश्वर महाखुद, कालिदास शर्मा। ऑल निशी छात्र संघ के सदस्यों ने जिला प्रशासन के सहयोग से आज राजधानी क्षेत्र ईटानगर और पापुमपारे जिले के महत्वपूर्ण स्थानों पर गैर अरुणाचली लोगों के लिए इनर लाइन परमिट जांच अभियान चलाया। छात्र संघ ने गैर कानूनी तरीके से देश के अन्य राज्यों के लोगों अरुणाचल में प्रवेश के मद्देनजर यह अभियान चलाया। राजधानी क्षेत्र पुलिस अधीक्षक तुम्मे आमो ने बताया कि अंशु के अनुरोध पर जिला प्रशासन ने विभिन्न स्थानों पर आईपीएल की जांच की। उन्होंने कहा कि चेक गेट के अलावा कई अन्य स्थानों से राजधानी ईटानगर और पापुमपारे जिले में बहुत से लोग गैर कानूनी तरीके से प्रवेश कर जाते हैं। ऑल निशी छात्र संघ के अध्यक्ष तोको ताकम ने कहा कि संघ आईएलपी के संबंध में सरकार के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर कदम उठा रहा है। से अंशु इन लोग ने रिक्वेस्ट किया था, तो इस हिसाब से हमारा डीसी साहब ने डिसाइड किया हाँ आज स्पेशल ड्राइव करना है, तो हम लोग कर रहे हैं। तो सारों जगह पे मजिस्ट्रेट और पुलिस डिक्लेयर किया है
तो इस पर कार्रवाई तो पुलिस और मिनिस्ट्री ही करेंगे। तो हम जो जो पायलट डिटेक्ट हुए हैं तो इसको हमारा तरीका यह होगा कि इनको बाहर कर देगा। इनका पास आईएलपी नहीं है, अगर उनको आईएलपी मिलता है तो फिर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम लोग का जो रिपोर्ट है वी हैव 13 सेक्शन हम लोग डिवाइड किया है टिम्पू टू मंडरे वाले के, उसमें हम लोग का एक बार एज ऑफ नाउ हम लोग का रिपोर्ट मिला है न्यूर्जली मार्केट एरिया से 32 हम लोग को मिला है विदाउट इनर लाइन परमिट ऑप्टेन करने वाला का। देन आईजी फार से 17 मिला, नीति विहार 6 मिला, चिंपू 44, जोलंग 30, नाहलांग मार्केट 40, यूफिया 35, मिथुन गेट टू लिखी 30, चिंपू और अभी रिपोर्ट आई है 9, दोईमुख 16, बंदरदेवा 50, किंगकब स्कूल 5, अराउंड 390 का आज हम लोग का विदाउट एनालाइन फार्मेट का जो इधर में आया उसको अभी तक एज ऑफ नाउ हम लोग को रिपोर्ट मिला है अंशु का तरफ से। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा आज बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय पासीघाट के सभागार में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त किन्नी सिंह, पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन सिंह, अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की कानूनी सलाहकार सहित कई विशेषज्ञ मौजूद थे। जिला उपायुक्त ने बालिकाओं से सोशल मीडिया या मोबाइल का सूझबूझ के साथ उपयोग करने का सुझाव दिया। जिला पुलिस अधीक्षक और महिला आयोग के विशेषज्ञों ने बालिकाओं को विभिन्न मुद्दे पर कानूनी पहलुओं से अवगत कराया। The women received today will go a long way in empowering not only ourselves but also help empower our mothers, daughters and sisters. मैं आप सबको भरोसा दिलाना चाहूंगा कि हमारे सारे पुलिस ऑफिसर क्राइम अगेंस्ट वुमेन को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए पूरी तरह से सेंसिटाइज हैं और हमारे जो वुमेन विक्टिम। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होगा और 13 नवंबर तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय ने लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को इसकी सूचना दे दी है। केंद्र सरकार आगामी सत्र में अनेक विधेयक लाने के साथ ही दो महत्वपूर्ण अध्यादेश को कानून बनाने की योजना पर काम कर रही है। इनमें से एक अध्यादेश सितंबर में आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2019 में संशोधन के लिए जारी किया गया था। दूसरा अध्यादेश भी सितंबर में जारी किया गया था जो ई सिगरेट और इसी तरह के उपकरणों की बिक्री, निर्माण और भंडारण पर प्रतिबंध से संबंधित है। राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग ने आज ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में ईस्ट कामेंग जिले के क्यांगरी सातम पर्वत चोटी पर चढ़ाई के लिए एक पर्वतरोही दल को रवाना किया। इस अवसर पर राज्य के खेल विभाग के अधिकारी और पर्वतारोही तापी मारा मौजूद थे। अपने संबोधन में खेल मंत्री ने कहा कि राज्य में साहसिक खेल पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों पर चढ़ाई अभियान से पर्यटकों का ध्यान राज्य की तरफ आकर्षित होगा। आपका टीम को भी और आई थिंक अभी जो आप जा रहे हैं इसको अच्छा से आने वाला में हम लोग इसको वर्ल्ड लेवल में इंटरनेशनल लेवल में अपना जो क्यारी सतम माउंटेन को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। एंड कोई भी चीज़ का एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट का तरफ से जो हमको सहायता देना चाहिए कि सरकार इसमें एकदम पीछे नहीं हटेगा। एंड इस समय हम खास करके हमारा जो डिपार्टमेंट में कुछ फंड धनराशि रखा हुआ था जिससे ज़्यादा नहीं है 15 लाख समथिंग एंड नेक्स्ट बजट नेक्स्ट टाइम में उसके लिए मैं फंड का उसको भी प्रोविजन को भी बढ़ाऊँगा और तरह उसको फंड को रखेंगे। और इसलिए ये जो इक्विपमेंट के लिए हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन किया ऑनरेबल एमएलए बामिंग एंड ऑनरेबल एमएलए चैन था जो हम लोगों ने बोला कि चलो इक्विपमेंट हम लोग ले देता है सरकार का तो प्रोसेस होते रहेगा हाँ लेकिन हम लोग खरीद के दे देगा महाराज जी को मारा अपना सामान लेके वो चला जाएगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।